So very good morning everyone. So till now we have finished the one of the most important chapter, that is measurement of length, weight and capacity. We have done all the types of questions, conversion, additions, word problems, those all things. So now we are going to start one new chapter which is very important in today's life. If we don't take care properly, we don't manage that properly, then everything will be damaged और हम लोग सही से कोई भी चीज को planning नहीं कर पाएंगे. Everything will become delayed. जैसे for example हम लोग बात करते हैं, अगर मान लेते हैं if there was no any time of joining the class or ending the class, so that will not be functions properly, right? अगर ऐसा होता कि कोई भी टाइम नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कब क्लास शुरू हो रहा है, कब क्लास खत्म हो रहा है. तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ वन स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज द टाइम. पहले क्या होता था, जब क्लॉक्स नहीं था, वॉच नहीं था, जब घड़ी नहीं हुआ करता था. अभी तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कम्स थ्रू विच वी कैन सी द टाइम. जैसे मोबाइल में देखते हैं, अभी तो मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही टाइम देख लेते हैं. उसके अलावा वॉल क्लॉक्स बहुत सारी डिजाइनिंग का आ गया है, रिस्ट वॉच आ गया है, स्मार्ट वॉच आ गया है, ठीक है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू कैन सी द टाइम. बट इन अर्लियर डेज, जब पहले के जमाने वो जमाना हुआ करता था, एट दैट टाइम हाउ द पीपल्स यूज टू सी द टाइम, वो कैसे टाइम देखते थे? दे यूज टू सी द टाइम विद द हेल्प ऑफ सन और मून. सन या मून के ये से वो लोग आइडेंटिफाई करते थे कि व्हाट इज द टाइम नाउ. ओके, सनराइज होता था तो नॉर्मली एक प्रिडिक्शंस लगाते थे कि इट मे बी 6 इन द मॉर्निंग और 7 इन द मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू द दैट आई मीन वेदर और दैट डेज. ओके, इफ इट इज कोल्ड टाइम सो मे बी द सनराइज विल टाइम विल बी 5, 6 to 7. ओके, सो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. देर आर सम something also as like in Delhi we have Jantar Mantar. Okay, so कुछ इस तरह से भी डिवाइस हुआ करता था विद द हेल्प ऑफ कुछ ऐसे बिल्डिंग के जो शेडो होता था, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो दे यूज टू सी द टाइम. सो फाइनली यू कैन सी, सपोज यू वॉन्ट टू गो समथिंग इन nowadays, then also we need to take care very carefully the time, because timely अगर हम लोग नहीं जाएंगे, ट्रेन का टाइमिंग जो होता है वो छूट जा सकता है, ठीक है. तो एक कहावत ही है कि अगर टाइम एक एक मिनट का क्या वैल्यू है, तो उससे पूछिए जिसका ट्रेन मिस हो चुका है एक दो मिनट के लिए, ठीक है. तो ये होता है, आप रेलवे स्टेशन में जाओगे या कुछ कुछ इस तरह का जगह है जहां पे जाओगे तो टाइम आपको हो सकता है समझ नहीं आए. वहां पे टाइम आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 22:40. So, इसका मतलब क्या होता है? There is nothing AM or PM. यहाँ पे AM और PM कुछ नहीं होगा, 22:40 लिखा हुआ रहेगा, या तो रहेगा 13:15 या 13:13. So, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब these times are shown in 24 hours clock. So, we will see or we will learn about these all things in this particular chapter. So let us begin with the first topic which we have. The first topic which we have is very simple, that is related to the some fill in the blanks type questions, some basic things which we are already aware about and some conversions. Okay, so kuch kuch basic things hai, cheeze hai aur kuch kuch conversions hai, chaliye us pe hum log discuss karte hain. This is all about the revision of the टॉपिक वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ अबाउट द टाइम, रिलेटेड टू द टाइम. अभी तक आपने इससे पहले क्लास में भी टाइम चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें वट एवर यू हैव लर्न दोज ऑल थिंग्स वी विल रिवाइज इन द फर्स्ट एक्सरसाइज. सो द चैप्टर नंबर इज 11. एवरीवन टेक आउट द चैप्टर नंबर 11. द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड कैलेंडर. Okay, so we will learn in this chapter one more interesting thing, that is related to the calendar. अगर suppose हम आपको आज पूछते हैं कि आज का date में आप कितने दिन के हो गए हो, so maybe आप ऐसे नहीं बता सकते हो without calculation. तो हम लोग वो भी देखेंगे
which I think you don't have in your, maybe it is there or not in your book. I don't think calculation, date calculation is there in your book, but still we will discuss कि आप calculate कर सकते हो कि आज का date में अगर आपको date of birth पता है, सबको पता होना चाहिए, तो आप कितने दिन के हो गए हो, right? So those all things also we will see in calendar, okay? So time and calendar is very interesting thing. आप पता कर सकते हो, मान लीजिए कि आपको कोई बताया बता रहे हैं कि यहाँ से पटना जाने में 4 घंटा लगता है, और आप अगर दिन के 11 बजे निकलते हो तो कितना बजे पहुंचोगे, तो वो सब कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे. या तो मान लो आपको बोला जाता है कि आज आप यहाँ से निकल रहे हो और कल सुबह जो है 9 बजे आप दिल्ली पहुंच रहे हो, तो ट्रेन से अगर जा रहे हो तो आपको टोटल कितना टाइम लगा. सो दीज ऑल कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द टाइम एंड कैलेंडर वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. अगर आपको पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि लॉकडाउन जो है इस पर्टिकुलर डेट में लगा था, या ये कोविड का जो सिचुएशन है इस पर्टिकुलर डेट में आया था लास्ट ईयर, तो आपका आज तक का कितना दिन हुआ वो कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे. सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू कैलकुलेट, स्पेशली मैथमेटिक्स. इफ यू सी द प्रैक्टिकली देन यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग ओवर देयर. Okay, so starting with the, some of the questions related to the revisions. First question it is asking in exercise 11.1 का पहला question जो है, that is fill in the blanks, and very easy questions, everyone is aware about this. So there are dash minutes in a hour. So quickly tell me in one hour how many minutes are there. This is the only questions. First question is asking there are dash minutes in an hour. So जल्दी से बताइए सभी, एक घंटे में कितने minutes होते हैं. अनुराज, then दिव्यांश, okay, very nice. दीपिका, खुशी, it's very simple, it's 60 minutes. Minutes already लिखे हुए हैं तो ये 60 होगा, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा 60 हो जाएगा. सो एवरी वन नोट इट डाउन इन योर क्लास वर्क, इन योर बुक ऑनली, कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. जल्दी से सभी नोट कर लें एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इट इज आस्किंग इज देयर आर डैश आवर्स इन ए डे. देयर आर, सो आई एम राइटिंग जस्ट वन डे इज इक्वल टू डैश आवर्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं 12 एंड 24 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डे लिखा हुआ है. तो कुछ स्टूडेंट्स होता है दे यूज टू थॉट और थिंक कि क्योंकि डे बोला जा रहा है तो हो सकता है 12 घंटा ही हो, क्योंकि नाइट 12 घंटा का होता है, डे 12 घंटा का होता है. बट इन मैथमेटिक्स इट इज नॉट, वी यूज टू कैलकुलेट वन डे मीन्स 24 आवर्स ओनली. ओके, तो 12 आवर्स हम लोग काउंट नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में, हम लोग कैलकुलेशंस के लिए. एग्जैक्टली अनुराज, रिसुराज, सृष्टि, वेरी नाइस. सो 24 आवर्स वी विल टेक. ओके, सो वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव. थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर डैश डेज इन ए वीक. वेरी इजी, सो वन वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज. तो बच्चे जानते हैं, नॉर्मली जब बच्चे चलना बोलना सीखते हैं तभी मम्मी पापा सिखाते हैं उसको ये सारी चीज. तो आई होप सबको पता है कि एक वीक में कितने दिन होता है. वेरी नाइस, एग्जैक्टली 7 डेज. ओके, सो आफ्टर देन फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग देयर आर डैश डेज इन ए ईयर. इट्स वेरी इजी, एक साल में कितने दिन होते हैं, सभी को पता होना चाहिए ये भी. क्विकली टेल मी हाउ मेनी डेज. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. सो 365 डेज, 365 दिन, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. उसके अलावा देयर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर, ये भी बहुत ही इजी है. ओके, सो वन ईयर इज इक्वल टू डैश मंथ. ओके, सो ये भी सभी को पता है. वेरी नाइस, कि 12 मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है. ओके, सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस व्हिच वी हैव इन रिवीजन चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, द फिल इन द ब्लैंक्स.
Okay, so now let us move to the second question. Second question is also easy and very interesting, and we have done in our previous class also. Okay, हमने class 3 में भी पढ़ा था कि how to read the time, how to write the time. Okay, so now we are going to see if the time is there, then how to read and write. Here two things are there, कि हम लोग time को पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं. पढ़ना और लिखना में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं क्लॉक लेता हूं, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से, राइट. हाँ, सो दिस इज द टाइम विच शोज इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर वी कैन रीड इन डिफरेंट वेज एंड वी कैन राइट ऑल्सो. सो हाउ यू विल रीड दिस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कैसे हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है. सो रीड करने के लिए सबसे पहले थ्री पार हो गया है, राइट. सो थ्री पार अगर हो जाता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्री पास्ट. ओके, थ्री पास्ट कितना मिनट पास हुआ है, सो यहां से 5, 10, 15, 20. सो 3, 20 मिनट पास्ट 3. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 20 मिनट पास्ट 3, लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे इसको 3:20. लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको 3:20 भी पढ़ते हैं और बोलते भी है, लोग भी बोलते हैं 3:20 हो रहा है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग. तो अगर हम लोग जब रीड करने का बात होगा तो वी विल रीड दिस एज 20 मिनट पास्ट 3, मतलब 3:20 हो रहा है. हम लोग नॉर्मली हिंदी में अगर कोई पूछता है तो वही बोलते हैं कि 3:20 हुआ है, तो वही इंग्लिश में बोलने के लिए 20 मिनट पास्ट, तो 20 मिनट पार हो गया है किससे, 3 से, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन रीड एंड वी कैन राइट द टाइम. ओके, यहाँ पे एएम पीएम का कुछ मेंशन नहीं है, तो मॉर्निंग इवनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है. अगर ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है मॉर्निंग इवनिंग या नाइट, सो वी कैन यूज एएम पीएम और अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो आफ्टर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज देयर सोइंग लाइक दिस, लाइक दिस. यहां पे मतलब 2 से पार हो गया है तो यहां पे, तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे. इसको रीड करने का दो तरीके हैं. एक तो 2 मिनट से जो है आप देख रहे हो 40 मिनट पार हो गया है, तो 40 मिनट पास्ट 2 भी बोल सकते हो. लेकिन यहां पे नॉर्मली अगर हिंदी में हम पूछे आपको तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 3:20 बाकी है, ये बोलते हैं, या तो ये भी बोलते हैं कि 2:40 हो रहा है. तो अगर हम लोग 2:40 हो रहा है ये बोलना चाहते हैं, देन वी विल टेल इन इंग्लिश दैट 40 मिनट पास्ट 2. और अगर हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि 3:20 बाकी है, तो हम लोग बोलेंगे 20 मिनट्स 2:03. 20 मिनट्स 2:03, मतलब 3:20 बाकी है, ठीक है. तो ये हो गया 20 मिनट्स 2:03, और हम लोग इसको लिखेंगे 2:40. तो यहां पे बोलने का दो तरीके हैं, एक 40 मिनट पास्ट 2 और एक 20 मिनट्स 2:03. तो जब 20 मिनट्स 2 बोल रहे हो तो 3 लेना है, और जब पास्ट बोल रहे हो तो 2 पास हो गया है, ठीक है. उसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, कि क्वार्टर 2 होता है, ठीक है, देन क्वार्टर पास्ट होता है और हाफ पास्ट होता है, ठीक है. तो यहां पे अगर कोई है, अगर 2 से यहां पे है दैट इज क्वार्टर पास्ट 2, राइट. अगर हाफ पास्ट है तो यहां पे है तो हाफ पास्ट है, और यहां पे है तो क्वार्टर 2:03. तो क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर 2, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा था. तो अभी जैसे यहां पे लास्ट वाला है ये इस तरह से है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे. इसको पढ़ने का भी 2-3 तरीके हैं. क्या क्या तरीके हैं, एक तो सिंपली आप बोल सकते हो हाफ पास्ट 3 एक हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हाफ पास्ट 3 के बाद 30 मिनट पास्ट 3 और 30 मिनट्स टू 4. तो दिस इज हाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम.
सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द क्लॉक. आप अपना क्लॉक ले सकते हो और उसपे इस तरह से अलग अलग टाइम ये करके आप उसके हिसाब से उसका टाइम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो. बहुत ही इजी है. जितना मिनट पार हो गया है दैट मच मिनट पास्ट बोलेंगे, या जितना मिनट बाकी है टू दैट मिनट टू द नेक्स्ट नंबर व्हाट इट इज गोइंग टू हैपेंस. ओके, तो यहां तक सभी को समझ में आया तो आई होप यू ऑल कैन डू द क्वेश्चन नंबर टू. सेकेंड का जो भी क्वेश्चन है सब बना सकते हो आप लोग. दिव्यांशी राज, ओके, किसी को कुछ डाउट्स है तो जल्दी से मैसेज में बताएं. जो नहीं समझ में आया अगर कोई टॉपिक, एनीवन, इफ यू नॉट अंडरस्टूड एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग रिलेटेड टू द सेकंड क्वेश्चंस, ओके ओके नाइस. सो दिस इज हाउ वेरी इजीली वी कैन रीड एंड राइट द टाइम. सो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू मिनट्स. तो मिनट्स में चेंज करने हैं, बहुत इजी है. आवर्स में दिया हुआ है, मिनट में चेंज करने है. हमें पता है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, तो जो भी आवर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से. सो वी नो, वी नो 1 hour इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना है जब 1 होगा तो आवर लिखेंगे, 1 से ज्यादा होगा तो आवर्स लिखेंगे, एस जोड़ हो जाएगा, ठीक है. तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हमें पता है. सेम केस मिनट्स लिखेंगे हम लोग, एक से ज्यादा है. सो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, देन व्हाटएवर द आवर वी वांट टू फाइंड आउट और वी वांट टू कन्वर्ट इनटू मिनट, देन वी विल मल्टीप्लाई विद दैट. सो फॉर एग्जांपल यहां पे 6 hour है. सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा है 6 hours इज इक्वल टू हाउ मच. सो 6 hours विल बी 6 into 60 मिनट, ओके. So 6 into 60 means 6, 6 are 36, 360 minutes. So this is the required answer. और अगर hours के साथ minute भी है, तो जितने minute है, उसको हम लोग add कर देंगे. For example, third question में है, 2 hours, 45 minutes. So 2 hours and 45 minutes है, तो 2 hours will be 2 into 60 and 45 minutes we will add. So this will be 2 into 60 minutes plus 45 minutes. So 2 into 60 means 120 minutes plus 45 minutes. So 120 plus 45 will be 165. मिनट्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन वेर एवर रिक्वायर्ड. आप लोगों में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो इतना एक्सप्लेन नहीं करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं. सो दैट शुड नॉट बी देयर. वेर एवर द एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड यू हैव टू डू इन योर होमवर्क कॉपी विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर स्टेप्स. क्योंकि मैथमेटिक्स में जो है स्टेप मार्किंग होता है, ऐसा नहीं है वहां पे आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, रफ वर्क में आप सॉल्व कर लिए डायरेक्टली आंसर लिख दिए. बट स्टेप मार्किंग यू हैव टू डू स्टेप वाइज वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट विच वी हैव इज द फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड एवरी वन अंडरस्टूड. तीसरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है. एनी वन हैविंग एनी डाउट इन थर्ड क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं एंड लेट अस डिस्कस फोर्थ वन. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज हियर इट इज आस्किंग टू कन्वर्ट इन टू आवर्स. तो डेज में दिए हुए हैं, आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 24 because one day is equal to 24 hours, right? So we know here we know one day is equal to 24 hours.
So if one day is equal to 24 hours, whatever the day you want to find into, you want to convert into hours, you want to multiply with that. So let us take the second one only. Second question is 5 days and 4 hours. So very easy, 4 hours we have to add and then 5 hours we have to convert. So 5 hours will be 5 into 24 hours, 5 days will be 5 into 24 hours plus 4 hours. So 5 into 24 हम लोगों को सबसे पहले करना है, तो 5 into 24 is equal to how much? 5 4 are 20, so 0, 2 carry, so 5 2 are 10 plus 2 is 12, 120. 120 hours plus 4 hours. So 120 plus 4 is 124 hours. So 124 hours will be the required answer. That means 5 days and 4 hours is equal to 124 hours. Okay? So till this much understood everyone? Exactly, 124 hours. So this is how you can convert the third question also, and that's all about the exercise 11.1. इसी के साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि बाकी जो भी questions है that you can do in your homework. So your homework is to do exercise 11.1. Your classwork is the revision of time and calendars. Explain exercise 11.1. And in next class we will see the about the times AM and PM, anti-meridian and post-meridian. Okay, so that's all for today. If you have any doubts, you can ask. किसी को कुछ doubts है तो पूछ सकते हो. Okay, then, thank you everyone, bye-bye, have a good time, take care.